जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, किस कंडीशंस में किस तरह से हम अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करेंगे। क्लियर? चलिए आज हम इस टॉपिक में यही देखेंगे कि जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाएगी गुडविल के केस में। किस केस में? गुडविल के केस में। जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है या पार्टनर फर्म से चला जाता है ना, उस केस में हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और वैल्यूएशन करने के बाद उस चीज का हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट दैट मींस अकाउंटिंग एंट्री। ठीक, चलिए देखते हैं, यहां पे एग्जांपल लेते हैं। देयर आर टू पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स थे बच्चों? दो पार्टनर थे, ए और बी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बच्चों वो था 3:2। ठीक है, सी फर्म में एडमिट हुआ। क्या हुआ बच्चों? फर्म में एडमिट हुआ। कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ? 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। क्लियर? अब यहां पे कंडीशन लगेगी, ए और बी एग्जिस्टिंग फर्म के पार्टनर थे, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ कैपिटल लगाई होगी इन लोगों ने। क्लियर? कैपिटल लगाने के बाद इतने सालों से ये लोग बिजनेस करते आ रहे हैं, तो मार्केट में इन लोगों ने क्या क्रिएट करी होगी? अपनी गुडविल क्रिएट करी होगी, इनकी कुछ ना कुछ मार्केट में वैल्यू होगी, मार्केट में इनकी रेपुटेशन होगी। क्लियर है? तो उस रिपोर्टेशन के बदले में, उस रिपोर्टेशन के बदले में कुछ अमाउंट किसको लेके आना पड़ेगा? सी को लेके आना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन में ये है कि भैया ए और बी बोलेंगे, किसको बोलेंगे? सी को बोलेंगे कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिजनेस में हमने कैपिटल लगाई थी, तो आपको भी यहां क्या लेके आना पड़ेगा बच्चों? कैपिटल लेके आना पड़ेगा बोलेंगे। क्लियर है? तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई हमारी कैपिटल। क्या रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? कैपिटल। सी को हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले आप क्या लेके आओ फर्म में, जब एडमिट हो रहे हो तो सबसे पहले लेके आओ आप कैपिटल। क्लियर? दूसरी रिक्वायरमेंट ए और बी, फिर सेकंड रिक्वायरमेंट डालेंगे, टर्म एंड कंडीशन आएगी, भैया हमने कैपिटल भी लगाई थी और इतने साल से बिजनेस करते चले आ रहे हैं, तो मार्केट में भी हमारी क्या है, कुछ ना कुछ रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के बदले में आपको एडिशनल पैसा लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? एडिशनल। उस एडिशनल पैसे को अपन क्या बोलते हैं? प्रीमियम। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीमियम। किस पर्पस के लिए लाएंगे प्रीमियम? प्रीमियम फॉर गुडविल। किस लिए लाएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। क्लियर है? एडिशनल अमाउंट दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम फॉर किस पर्पस के लिए? गुडविल के लिए। मार्केट में उनकी क्या है बच्चों? रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन के बदले में उनको उसको लाना पड़ेगा सी को, क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। सी बोलता है ठीक है, कैपिटल भी लेके आऊंगा और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आऊंगा। ठीक, कैपिटल लेके आया, मान लो ये 1,00,000 रुपीस। कितना पैसा लेके आया बच्चों? 1,00,000 रुपए लेके आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ये लेके आया 20,000 रुपीस। कितना पैसा लेके आया? 20,000 रुपीस। क्लियर? था ये पैसा फर्म में आ तो गया, फर्म में आ गया। अब इस फर्म में आने के बाद इसकी क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी। क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी। उसी जर्नल एंट्री को अपन बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या बोला जाता है उसको? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या जर्नल एंट्री पास होगी बच्चों? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ है ना, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, एंड लास्ट डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। क्लियर? ये आपका फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। अब जर्नल एंट्री होगी, क्या क्या लेके आया? ये कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल किस पर्पस के लिए आई है? इनकी रेपुटेशन की वजह से आई है प्रीमियम फॉर गुडविल। इनकी मार्केट में कुछ ना कुछ क्या है? रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन का डायरेक्ट बेनिफिट एस प्रॉफिट किसको मिलेगा? सी को मिलने वाला है। इसीलिए ए और बी ने सी से क्या मांग लिया? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए आता है बच्चों? ए और बी। ए और बी कौन से पार्टनर कहलाएंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब हमने आपको बताया था कि ए और बी दो हिस्से होते थे पहले रोटी के, अब ए बी और सी तीन हो गए, तो अब हिस्से कितने होंगे? तीन।
मतलब ए और बी ने अपना कुछ हिस्सा किसको दिया होगा, सी को दिया होगा, तो उन्होंने जो त्याग किया उस रोटी के हिस्से का उसको बोला जाता है सैक्रिफाइस। क्या बोला जाता है? सैक्रिफाइस। तो यहां जो रेशो था 3:2, इस रेशो में से कुछ ना कुछ ये लोग क्या करेंगे, किसको दे रहे हैं बर्थ, सी को दे रहे हैं, तो ये लोग कहलाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसी सैक्रिफाइस के बदले में क्या आती है, प्रीमियम फॉर गुडविल आती है, तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम किसको दे देंगे, ए और बी, दैट इज फॉर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या जर्नल एंट्री होती है। सी लेके आया कैपिटल, क्या लेके आया बच्चों, कैपिटल। जब वो कैपिटल और प्रीमियम का पैसा कैश में लेके आता तो हमारे फर्म का कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब कैश बढ़ता है तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड। क्या लिखेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिटेड। क्लियर? टू कौन लेके आया बच्चों? सी लेके आया, तो हम यहां पे लिखेंगे टू सीस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के लिए कितना पैसा लेके आया ये? 1,00,000 रुपए। तो हम लिखेंगे इसकी कैपिटल के सामने 1,00,000 रुपए। क्लियर है? ये हो गया 1,00,000 रुपए। और साथ में क्या लेके आया ये बच्चों? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर? जी छोटा, गुडविल। गुडविल के लिए क्या लेके आया बच्चों? ये पैसा लेके आया। कितना पैसा लेके आया? 20,000। कितना पैसा लेके आया? 20,000। 1,20,000 टोटल कितना हो गया? 1,20,000। हमारा कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 1,20,000 से। क्लियर? 1,20,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों हम यहां पे? बीइंग अमाउंट, बी आर ब्रॉट बाय सी, किसके द्वारा लाया गया? सी के द्वारा लाया गया। ठीक है, यहां पे हम इसको क्लोज करेंगे। अब हमने अभी बताया था आपको कि जो प्रीमियम का जो पैसा आता है वो किसके लिए आता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए आता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होंगे? जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वही कहलाते हैं हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब तक क्वेश्चन में कोई टर्म एंड कंडीशन गिवन ना हो कि ए पूरा शेयर देगा सी को या बी पूरा शेयर देगा सी को, अगर इस तरह की कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी तो केवल और केवल किसको मिलेगा फिर प्रीमियम का पैसा? अगर ए सैक्रिफाइस करेगा तो केवल ए को, और बी सैक्रिफाइस करेगा तो केवल बी को। और जब क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन ना हो तो फिर दोनों पार्टनर मिलकर सैक्रिफाइस करेंगे, किसके लिए? सी के लिए। क्लियर? चलिए देखते हैं, प्रीमियम पहले क्या हुई थी बच्चों? हमारी क्रेडिट हुई थी, अब क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। क्लियर? चलिए छोटा गुडविल, ठीक गुडविल, चलिए देखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन कहलाएंगे बच्चों? ए और बी दोनों कहलाएंगे जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि यहां पे कोई कंडीशन हमको गिवन नहीं है रेशो से रिलेटेड। तो टू किसके कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट, और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर? कहां ट्रांसफर कर दिया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन ने उसको ट्रांसफर कर दिया। चलिए ये ठीक, अब कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वो देखते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट कितने से हुई थी बच्चों? 20,000 से। तो डेबिट भी कितने से होगी? 20,000 से। ये हो गए 20। अब यहां पे चेक करेंगे कि ए बी और सी तीन पार्टनर हो गए हैं, ओल्ड रेशो था 3:2, और सी कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन गिवन नहीं है,
जब कोई कंडीशन क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड गिवन नहीं होती, कंडीशन किस तरह की, सरेंडर्ड वाली है ना, शेयर एक्वायर्ड वाली। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, केवल डायरेक्टली लिखा है कि दो पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे, 1/5 शेयर के लिए क्या हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है। इसके अलावा कोई कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम जो ओल्ड रेशो होता है, ये जो ओल्ड रेशो है, इसी ओल्ड रेशो को क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर। चलिए, अमाउंट है 20,000, किस रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्या है रेशो, 3:2 में बांटेंगे, मतलब 3 और 2 5, टोटल हो रहा 5। 20,000 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 1 5 और 5 4 20, आंसर आया 4,000। 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4,000 × 3 तो 4 3 12 4 3 12, तो A के सामने लिखेंगे हम 12,000। ठीक, 4 × 2 तो 4 × 2 तो 8 8,000, आंसर कितना आ गया बच्चों, 8,000। तो अमाउंट ऑफ गुडविल हमारी क्या हो गई, यहाँ पे एडजस्ट हो गई। इसी एडजस्टमेंट्स को बोला जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर बच्चों, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या अगर पर्सनली हमसे फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए